हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किए हैं पर्पल की, तो पर्पल पे अभी समर सेल चल रहा था जिससे मैंने कुछ ऑर्डर किया है और मेरे पास रिसीव हो गया है 2 दिन पहले ही। मैंने अभी उसका रिव्यू आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था समर सेल में। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी बट अभी मैंने इसे कुछ यूज़ नहीं किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है इसमें एवर यूथ का लेमन एंड चेरी फेस वॉश, ब्राइटनिंग फेस वॉश। एक्चुअली मेरा जो फेस है ना, कॉम्बिनेशन है, की पॉइंट मेरा ऑयली रहता है, बाकी नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से मैंने पर्पल पे अभी जो सेल चल रही थी उससे मैंने ऑर्डर करा है। इसका प्राइस है समथिंग 100 से नीचे है, मैं आपको शो कर दूँगी वीडियो में, आपको दिख रहा होगा। ये अभी मेरे को पर्पल सेल पे मिला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा इसका शैम्पू, तो हो रहा है आपको एल्फ गुडनेस स्विस लव फैनग्रिक बायोटिक रेडिंस एंटी हेयरफॉल शैम्पू है। ऑल हेयर टाइप का, ये हमारे हेयर्स के लिए भी बेनिफिट्स होता है और हमारे हेयर्स के लिए तो बेनिफिट्स होता ही है कितना ज़्यादा। इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, बॉटल भी देखिए कितनी प्लास्टिक की बॉटल है, ना ही टूटने का ना ही कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो प्राइस है 309 है MRP, दिख रही आपको। इसकी जो क्वांटिटी है 290 ml है, 290 ml, और ये मेरे को समथिंग 200 आपको प्राइस दिख रहा होगा, इतने में बड़ा है। और इसके साथ मेरे को फ्री आया है एल्फ गुडनेस का कंडीशनर, शो रहा आपको एल्फ गुडनेस का सेम प्रोडक्ट है, फेनोग्रिक बायोटिक रेडनेस के लिए एंटी हर्बल कंडीशनर है। एक्चुअली ये आप सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है। इसका जो MRP है 325 का MRP है और इसकी नेट क्वांटिटी जो है 200 ml है, 200 ml की ये बॉटल है। तो मेरे को मिला है इसके साथ ये फ्री, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ही, और देखते हैं बाकी बालों के लिए क्या बेनिफिट रहता है। फेनोग्रीक से है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही थी। सो दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो अपनी फैमिली समझ के अपनी फैमिली की तरह बड़ी कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऐसे ही मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।